गिरिराज बोले, देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे, जो धर्म संप्रदाय कानून ना माने उनसे वोट देने का अधिकार छीने। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में हर एक मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल बहुत जरूरी है। गिरिराज ने यह भी कहा कि बिल को धर्म या संप्रदाय के बिना सभी पर लागू किया जाना चाहिए, जो इसका पालन नहीं करे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए, उनके वोटिंग राइट्स भी छीन लिए जाए। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई, हम उनसे कैसे कम्पीट करेंगे। गिरिराज सिंह का मानना है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में ना तो सोशल हार्मनी बचेगी और ना ही एकता, ना ही भारत का विकास हो पाएगा। उन्होंने कहा कि 1978 के पहले चीन की जीडीपी भारत की जीडीपी से कम थी, आज चीन हमसे ज्यादा समृद्ध है क्योंकि 1979 में चीन अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया। गिरिराज सिंह के मुताबिक चीन में एक मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं जबकि भारत में 30 बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे में हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे। आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो आज पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जिस ढंग से जागरूकता लाने का काम किया है और देश के लिए जरूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया की आबादी का हम 18-20% व्यवहारिक रूप में हो गए हैं। हमारे पास जमीन 2.5% है, पानी 4% है। चाइना से मेरी जीडीपी भारत का 1978 में भारत का जीडीपी चाइना से अधिक था, लेकिन चाइना 1979 में उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, जिसके कारण कई पत्रकारों का कहना है कि 60 करोड़ आबादी रोकने का काम किया। आज चाइना आर्थिक ऊंचाई पर जा रहा है, आज भारत के लिए सामाजिक समरसता के लिए, आर्थिक ऊंचाई पर जाने के लिए साधन सीमित है। इन साधन सीमित साधन में भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। चाइना एक मिनट में 10 बच्चे और भारत में एक मिनट में 30-31 बच्चे, हम कहां से कम्पीट कर पाएंगे। इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए, इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कानून हो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सभी पर समान रूप से लगे। लेकिन कानून ऐसा कड़ा कानून होनी चाहिए जो जो ना भी माने उसे मानना पड़े, उस पर सरकारी सारे नियम लागू होनी चाहिए, सरकारी चीजों से उन्हें मुक्त करना चाहिए जो ना माने, और तो और वोटिंग राइट भी समाप्त कर देना। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।